जैन जवाहर दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त अवर शुक्ला, हाथ में दो नाली बारह बोर। तो आज दो नाली की ही कहानी है, और ये कहानी मैं बताऊं आपको, ये कहानी है आज के कानून व्यवस्था और सरकारों को लेकर। अब ये कहानी है दो नाली के रखने वालों की। दो नाली जो शान मानी जाती थी किसी ज़माने में, अब ये कहीं ना कहीं लावारिस होती जा रही है, क्योंकि दो नाली की जो कीमत है और जो मारक क्षमता में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कीमत भी कम हो गई है, क्योंकि अब अत्याधुनिक हथियार आ गए हैं। दो नाली भारी होती है कहीं ना कहीं, लेकिन अब दो नाली की कहानी है, और सबसे बड़ी बात है डोप टेस्ट। तो डोप टेस्ट और दो नाली की दोनों कहानी को लेकर हमारे साथ हैं आज एक्सपर्ट। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब सरकार द्वारा इनको एक ओहदा दिया गया है, और वो है सलाहकार, हथियारों के मामले में सलाहकार। तो इनको पंजाब सरकार ने नियुक्त किया है, इनके पास चिट्ठी भी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज स्टूडियो में लाइव भारत के। तो ये बताइएगा जनाब कि दो नाली की कहानी क्या है, और इस समय दो नाली आखिर इतनी लाचार क्यों हो गई, वजह क्या है? ये लाचार इस वजह से होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस के ऊपर तीन वेपन की जगह एक वेपन कर दिया, और मोस्टली जो कहानी ये है कि इसका मतलब जो वेपन है 12 बोर ही लोग ज़्यादा सिलेंडर कर रहे हैं, क्योंकि रिवॉल्वर या पिस्टल या 315 बोर कोई भी सिलेंडर नहीं करता, 12 बोर ही सिलेंडर कर रहे हैं। ये तो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम होने का कारण यही हो गया कि मतलब इसकी डिमांड नहीं है, इसको कोई लेके जाए गाड़ी में नहीं रख सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। पिस्टल वगैरह को कोई आप गाड़ी में रख के भी एक दो 15 मिनट काम कर सकते हो, इसको कहीं आप रख भी नहीं सकते, गाड़ी में नज़र आएगी कोई ले जाएगा छीन के। ये इस चीज़ के लिए इसको डिस्ट्रॉय जल्दी लोग कर रहे हैं, और जिनके पास एक वेपन है 12 बोर ही है वो और मुश्किल में है, क्योंकि लाइसेंस की फ़ीस जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कर दी है। पर वेपन 4500 रुपीज़ फ़ीस प्लस डॉप टेस्ट करके बंदे को 7000 रुपये में लाइसेंस रिन्यूअल पड़ता है 5 ईयर का। इसलिए ये 12 बोर का हथियार जो है लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये रखना नहीं चाहते लोग। नहीं रखना नहीं चाहते तो कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? आप गन हाउस भी तो नहीं ले रहा, थाने वाले भी नहीं ले रहे हैं, तो ये हथियार जाए कहाँ? जो गन हाउस वाला इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये सेल तो होगा नहीं, अभी कोई खरीदता नहीं है इसको, कोई खरीदना भी नहीं चाहता इसको। जो भी खरीदना चाहता वो रिवॉल्वर पिस्टल या राइफल खरीदना चाहता, 12 बोर को कोई खरीदना नहीं चाहता। 12 बोर और भी आ गई हैं, पंप एक्शन आ गई हैं, 5 शॉट आ गई हैं, 10 शॉट आ गई हैं, वो लोग लेना चाहते हैं, इसको कोई भी नहीं लेना चाहता। एक तो ये बड़ी बहुत है, इसको कोई पसंद भी नहीं करता आजकल, क्योंकि दो राउंड पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम भी है। एक तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को और आने वाली है, जब इलेक्शन आएंगे ना तो इसको थाने में जमा किया जाएगा, और ना ही कोई गन हाउस वाला इसको जमा करेगा, क्योंकि जमा होने के बाद इसको कोई लेने नहीं आएगा तो कोई जमा क्यों करेगा। तो आपके पास भी ऐसे कोई दो नाली है जो आपके पास आई, आपने जमा कर लिया और आज तक लेने नहीं आया? हाँ जी, काफ़ी हैं मेरे पास, कम से कम 30-35 वेपन ऐसे हैं 12 बोर जिन्होंने जमा करवाई, वो लेने नहीं आए अभी तक। तो उनका जो आपका बिल बनता जा रहा है वो बिल तो पे कर रहे होंगे या नहीं? हाँ जी, वो नहीं, कोई बिल पे नहीं कर रहा। हमने कई बार उनको कॉल्स भी किए हैं कि अपनी आगे वेपन ले जाओ, वो लेने नहीं आते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जो ऐसा क्या मैं तो कमिश्नर ऑफिस या होम डिपार्टमेंट को यही कहना चाहता हूँ कि इसको डिस्ट्रॉय करने की हमें परमिशन दी जाए, ऐसे तो ना बिकेगी ना कोई लेगा, तो कहीं गन हाउस में कोई मिस हैपनिंग होती है या चोरी हो जाएगी, है तो एक वेपन ही है ना ये। अच्छा ये बताइएगा ये काम पुलिस क्यों नहीं करती खुद? पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है, मतलब पुलिस को यही चाहिए कि यहाँ तो अपने थानों में जमा करके इसको फ्लोर में भेज दिया जाए जी। फ्लोर सबसे बड़ी एकेडमी है जहाँ वेपन भी जमा होते हैं, आतंकवादियों से पीड़ित जो वेपन जमा हुए हैं एंड जाके वहीं जमा होते हैं। तो ऐसा जो दो नाली है इसको कम से कम हर थाने में उसको जमा करके और सीधा फ्लोर भेज दिया जाए, ऐसा हाँ, ऐसी सिफारिश करेंगे आप? हाँ जी, ऐसी सिफारिश करना चाहता, क्योंकि गन हाउस वाला कितनी रख लेगा? हमारे पास तो वैसे 50-60 बंदूकें तो वैसे पड़ी हुई जो लोग लेने नहीं आते, तो हम रख के क्या करेंगे इसको। अच्छा ये बताइएगा कि आखिर किसी ज़माने में, अब तो चलो नए नए हथियार आ गए, इसके शान और शौकत होती थी और शादियों विवाह में दिखावा भी होता था, इतनी बंदूक के उस तरफ से आए इतनी, तो कहीं ना कहीं क्रेज़ तो उस समय तो था, पर आज मजबूरी है। क्रेज़ आज भी है लोगों को, जो शूटर्स हैं वो उनकी वो जो 12 बोर है वो इंग्लैंड, मेड इन इंग्लैंड की हैं, मेड इन USA की हैं, ब्रेटा कंपनी की हैं, वो बाहर से आती हैं, उनको बाहर से इंपोर्ट, जो नेशनल लेवल का प्लेयर होता है उसको बाहर से इंपोर्ट करने की अप्रूवल होती है, बाकी और कोई बंदा भी अप्रूवल नहीं ले सकता उसको। अच्छा ये जो 12 बोर की है दो नाली है, ये जो आएगी लोग आते हैं आपके पास जमा आप नहीं करते हैं या, तो इसके अब करेंगे क्या, क्योंकि उनको 7000 बेचने के लिए क्या करना होगा, बिकती है नहीं? बेचने के लिए उनको CP ऑफिस में पहले जाना पड़ेगा, परमिशन अप्लाई करनी पड़ती, परमिशन की भी फीस है, देखो 3000-4000 रुपये उसको फीसें बढ़ जाती हैं,
गन का कीमत नहीं है, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि 3-4 हज़ार रुपये फीस। हाँ, और तो गन की कीमत 1000 रुपये, गन की कीमत 1000, मतलब इसकी कीमत 1000 रुपये है, और जो इसको आप बेचने के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको 4000 देने पड़ेंगे। हाँ, परमिशन के लिए आपको 4000 रुपये करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू 1000 है। हाँ जी, 1000। तो फिर ये तो मजाक नहीं बन गया वेपन को लेकर? मजाक ही बना हुआ, तभी तो आपने देखा संगरूर में भी किसी ने लाइव न्यूज डाली कि हम सारा गांव देने के लिए तैयार है, बंदूक पर कोई खरीदने को तैयार नहीं है, उठाने वाले जमा करने के लिए तैयार नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? या तो मेरे को लगता है वो बंदा दरिया में फेंक दे बंदूक। पर दरिया में फेंक देगा तो कल को फिर कानूनी अड़चन में पड़ सकता है, क्या कर सकता फिर वो, बताइए। तो मेरे पास आज से 2-3 दिन पहले एक एक्स सर्विसमैन बंदा आया, 85 उसकी एज है, वो कह रहा जी मेरी सिंगल बैरल रख लो, वो मेरे पैर ही हाथ लगा रहा कि इसको रख लो मेरे गले से एक बार निकाल दो ये, तो क्या करेगा फिर वो? अच्छा एक बात बताइए, क्या जितने भी ये क्राइम होते हैं वो लाइसेंसी से होते हैं कहीं? नहीं, मैंने आज से पहले जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में भी एक्ट लिखा, उसमें भी उन्होंने ये लिखा कि जो मोस्टली क्राइम हो रहा है सिर्फ लाइसेंसी वेपन से 1-2% क्राइम हो रहा है, बाकी तो सब अनलीगल वेपन से ही हो रहा है। अच्छा, ये हथियार लेने के लिए डोप टेस्ट जरूरी है, तो ऐसे भी खबरें आई हैं कि एक धांधली होती है और एक बंदा जब उसका डोप टेस्ट के लिए उसका यूरिन चेक किया गया तो वो प्रेग्नेंट निकला, तो ये खबर सिविल हॉस्पिटल से छन के आई थी। मैंने इस डोप टेस्ट के बारे में लिखा भी है कि सरकार को इस पे दोबारा मतलब विचार करना चाहिए। देखो, एक गस्टर्ड ऑफिसर है, एक कोई बिजनेसमैन है, एक कोई मतलब डॉक्टर है, आर्मी मैन को भी इन्होंने अलॉय किया हुआ, यानी कि कहने का मतलब कि पंजाब में ही नशा है, और राज्यों में तो डॉप टेस्ट नहीं हो रहे, सिर्फ एक पंजाब को ही हाई ग्रेड किया गया नशे के मामले में। दिल्ली भी नशे हो रहे हैं, हरियाणा में भी हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, वहाँ डॉप टेस्ट क्यों नहीं? सिर्फ पंजाब में ही नशा ज़्यादा है। अच्छा, डॉप टेस्ट मतलब शराब तो नशा नहीं है, और शराब पी के ही अगर हम शादी विवाह में तो वहाँ पे देखो हथियार और गोलियाँ चलती हैं। शराब को ही शराब छोड़ा गया है सरकार ने, क्योंकि ये सरकार को मेरे ख्याल से रेवेन्यू आता है शराब से, तो इसलिए सरकार ने इसको छोड़ दिया शराब को। मिस हैपनिंग हुई, 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ इसीलिए इसको शराब को छोड़ दिया गया। देखो आज कौन सा बंदा है जो रात को रेस्ट की गोली नहीं लेता, शुगर की गोली नहीं लेता, हाई बीपी की नहीं लेता? गवर्नमेंट को भी इसके बारे में रिलीफ देना चाहिए, आगे इलेक्शंस हैं, नुकसान होगा गवर्नमेंट का भी। नहीं तो डोप टेस्ट ना हो ये आप बाकी स्टेटों में क्यों नहीं हो रहा? तो डोप टेस्ट के आड़ में कुछ ऐसे भी हैं लोग जो ऐसे करवा जाते हैं, ऐसे फर्जी तमाम आए, कई सुर्खियां रहती हैं अखबारों में। अभी तक कोई FIR तो नहीं लॉज हुई अमृतसर में, यहाँ अच्छा। तो कोई FIR लॉज हुई हो तो फिर भी पता लग सकता है। एक FIR लॉज हुई थी तो एक लड़का भी पकड़ा गया था, मतलब राजा जनाला से, उसको अरेस्ट भी किया था, उसके बाद कुछ मतलब हुआ नहीं। अगर फर्जी बन रहे हैं तो क्यों FIR होती है? एक अगर कह लें ये नशई बंदे के ज़्यादा डॉप टेस्ट बन रहे हैं, देखो डॉक्टर के बाद उसको SHO के पास भी जाना होता है, DSP के साहब पास भी फाइल जाती है, DCP साहब देहाती में, SSP साहब के पास जाती है, कि मतलब बंदा नशा ही कर रहा है, तो जब फाइल लेने के वक्त वो DM को पेश होता है, क्योंकि मतलब DM के अंडर ही आता है ये सिविल हॉस्पिटल भी। जी जी, DM के अंदर ही आते हैं, कि मतलब DM देख बिना देखे ही मतलब साइन कर रहे हैं क्या? यानी कि आप अपने सिस्टम को ही चैलेंज कर रहे हो कि DM साहब ने ऐसे ही फाइल दे दी, नहीं तो बिना देखे हुए फाइल दे दी। सब कुछ सही चल रहा है क्या डोप टेस्ट में? सब कुछ सही चल रहा है, कहाँ गलत है मेरे को ये बताओ। एक बंदा मतलब मेडिसिन ले रहा है तो उसका ओपिनिंग देना डॉक्टर, वो अपनी लेटर लेके, ओपिनिंग तो कोई डॉक्टर देता नहीं सिविल हॉस्पिटल में। उसके नीचे अगर मेरे को रात को किसी का मेरे को पेन हुई है, मैंने मेडिसिन ली है, डॉक्टर की रेफरेंस तो जरूरी भी नहीं होता कि कोई बंदा डॉक्टर की रेफरेंस से मेडिसिन ले। आजकल आपको पता केमिस्ट की दुकान है, कोई बंदा बोलता मेरी सरदर्द हो रही है, मेरे बैक में पेन है, हर मेडिसिन में मॉर्फिन है है, तो उसमें क्या उसको मैं उसका क्या कसूर है? नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है, आप ऐसा कह रहे हैं बाकी स्टेटों में नहीं है, बाकी स्टेटों में किसी भी नहीं है डोप टेस्ट। चलिए, अब डोप टेस्ट जरूरी है या नहीं है तो सरकारें जाने, लेकिन डोप टेस्ट के आड़ में जो धांधली हो रही है सरकारों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम ध्यान देते हैं दोनाली पर। दोनाली ये बताइएगा कि अगर नया लाइसेंस इस समय अगर बनवाना हो तो कितना क्या प्रोसीजर है और उसके कितना पैसा लग जाता है? देखो जी, सफर जी, मैं ये भी बात आपको बता, पंजाब में हर जिले में फाइल का रेट अलग अलग है। अमृतसर में DM ऑफिस में 11,000 रुपये की फाइल है, तरन तारण में 21,000 रुपये की है, पटियाला में वो 300 रुपये की है, मतलब हर स्टेट में अलग अलग ही सिस्टम है गवर्नमेंट का। पटियाले में 300 की है? हाँ, पटियाले में 300 की। और यहाँ पे 11,000 रुपया, और सुविधा के चार्जेस लगा के 30,000 रुपये की बंदे को फाइल पड़ती है,
फिर भी वो बंदा लाइनों में लगा हुआ। तो पटियाला तो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा पॉलिसी छूट दे रखी है कि भैया बनवाओ लाइसेंस यहां पे। नहीं, ये डीसी के अंडर है कि डीसी साहब कितना मतलब लेते हैं यहाँ। तो मतलब आप अगर मैंने आरटीए में पूछा ये 11,000 का क्या होता है, वो कहते जी वो हमने वो लगाया हुआ है बच्चों के लिए रेड क्रॉस में पंगूड़ा, उसमें जाते हैं इसके पैसे। अच्छा, तो और वृद्ध लोगों के लिए हम दवाइयों के लिए पैसे देते हैं। 50,000 के करीब फाइलें हैं जहां तक मुझे जानकारी है, जिसमें से 15-20,000 के करीब सिग्नेचर हुए हैं। तो ये बताइएगा कि आज जो ये हथियार है, ये हथियार आजकल केवल प्रदर्शनी का एक बहाना है, लोग चलते हैं ये प्रदर्शन, इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता जो प्रदर्शन करते हैं इसके? प्रदर्शन के लिए डीसीपी साहब ने आजकल शर्त भी लिखी हुई, उनके आर्म्स लाइसेंस पे भी लिखा हुआ कि जो भी इसका मिसयूज करता है हम उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। और सीपी ऑफिस में हुए भी हैं काफ़ी हद तक लाइसेंस कैंसिल हुए हैं जिन्होंने मिसयूज किया है। यहाँ कोई शादी ब्याह पे लेके गया, उन्होंने कैंसिलेशन कर दी। अच्छा, 2 नंबर के पहले पिछले फिरोजपुर में मैं था, उसमें एक स्कैंडल उठाया था कि जाली लाइसेंस बन जाते हैं, जाली लाइसेंस अंदर से मिली भगत होती थी कलर्कों की, ये सब कुछ सांट गांठ। तो ये वर्षों से चलता आ रहा है जाली लाइसेंस और हथियारों का ये जो खेल है और गैंगस्टरों का जो सुमेल है और नेताओं का संरक्षण है। तो ये बताइएगा ये हथियार कहीं ना कहीं आज हमारे जनमानस के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जो गैंगस्टर के पास असला है ना जी, वो तो इंडियन ऑर्डिनेंस का है ही नहीं, इंडियन ऑर्डिनेंस का है ही नहीं है वो। यहाँ तो ना इंडियन ऑर्डिनेंस का, देखो हमें टैक्सेस कट के वेपन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देती है, लाइसेंस भी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दी है। जो आप बात कर रहे हैं जाली लाइसेंसों की, वो तो बिना मिली भुगत के कभी भी बने भी नहीं। और आज तक जो भी मतलब जितने भी केसेज हुए हैं तरन तारण में भी हुए हैं, अमृतसर में भी हुए हैं, उसमें लोग बरी हो चुके हैं। काफ़ी केस तो ये फाइल बंद हो चुकी हुई हैं मतलब नकली लाइसेंस की, कि अभी तक हल ही नहीं हुआ उनका, अभी तक हल नहीं हुआ। लेकिन आप ये हल बताइएगा, आपने एक हल निकाला था कि जो आप विवाह शादियों में गोलियां चलाते हैं, फायर करते हैं, उनका एक हल है, आपने कौन से कारतूस के बाद यहाँ पे आप ऊपर चिट्ठी भेजी है कि वो कारतूस चलाए जाएं, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, गोलियां भी नहीं चलेंगी, कौन सा कारतूस है जिसे आपने भारत सरकार और पंजाब सरकार को भेजा है? सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें फायर जो था ब्लैंक फायर, वो 12 बोर में ही आता था, किसी और फायर में नहीं आता, 315 में नहीं आता ब्लैंक फायर, 32 बोर में नहीं आता और किसी बोर में नहीं आता, एक बोर में आता है 30.6 राइफल में, पर वो बहुत कॉस्टली है, मेड इन यूएसए है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रोविज़न ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब एमुनेशन बनाती है वो आप बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर सकते, जो एमुनेशन इधर नहीं बनता वो आप बाहर से इम्पोर्ट कर सकते। नहीं नहीं, जो फायर वहाँ पर विवाह शादियों में दोनाली से हुआ करते थे, जो आपने बताया था कि कारतूस ऐसे हो, वो उसको बोलते हैं हम ब्लैंक फायर। तो वो जो इसी दोनाली में ही चलते हैं। तो वो अच्छा नहीं है, सरकार मान क्यों नहीं लेती? सरकार को मानना भी चाहिए इसमें, देखो हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा, कोई फायर कर भी रहा है तो आगे किसी को इंजरी तो नहीं ना होगी कम से कम। अच्छा, वो फायर से गोली चलने की आवाज गोली की तरह होगी, इंजरी नहीं होगी, कुछ उसमें नहीं होगा। अच्छा, वो भी सरकार ही बेचती है? वो भी सरकार से अप्रूवल फैक्ट्रियां बेचती हैं, वही बेचते हैं। तो अब इसकी कहानी, ये दोनाली की कहानी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बताएं कि अगर दोनाली से फायर करना विवाह शादियों में, तो परमिशन के साथ फायर बुलेट दी जा सकती है, और ये बुलेट जो है वो सरकार ही बनाती है, सरकार कानून बनाती है। लेकिन कानून ऐसा है कि अगर आपके पास दोनाली है और अगर आपने उसको बेचना है, तो आपको अगर आप अमृतसर में रहते हैं तो आपको 4,000 रुपये के करीब आपको वहाँ पर देना होगा, यानी कि वहाँ पर जो कागज है दस्तावेज है उनके 4,000 रुपये खर्चा आएगा। और इसकी कीमत जब आप दुकान के पास जाएंगे तो 1,000-2,000 के बीच में होगी, क्योंकि दोनाली की अब जो वक्त है, जो इसका तकाजा है, अब समय के साथ बदलता रहा है। पंजाब की बात करें तो तमाम फिल्में दोनाली पे सुपरहिट हुई हैं, दोनाली की ये कहानी है कि अब ये दोनाली अपने पास कोई रखना नहीं चाहता, क्योंकि ये साथ संभालने में ये थोड़ा सा बाकियों से ये हटके है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनाली का जो जमाना है, और आज डोप टेस्ट के इस ज़माने में नए लाइसेंस इशू कम हो रहे हैं, ये बात सही है कि डोप टेस्ट के मामले में लाइसेंस नए बनने, हथियार कब लोग खरीदते हैं हथियार? नहीं, कम तो नहीं होता, जिसे किसी ने मतलब मेडिसिन ली हुई है उसकी बॉडी में मतलब वो 10 डेज रहती है, 10 डेज के बाद वो फिर दोबारा टेस्ट करवाता, तो वो मतलब अगर नेगेटिव आए तो फिर वो लाइसेंस अप्लाई कर सकता है। नहीं, हथियारों की बिक्री कम हुई है? बिल्कुल कम हुई है, कोविड के दौरान काफ़ी कम हुई है। तो हथियार लोग स्टेटस सिंबल के लिए रखते हैं या सुरक्षा के लिए? अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। देखो जी, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है,
छोट पेमेंट होती है 10-15 हज़ार रुपया, तो आजकल नॉर्मल ही हो गया कि पेमेंट्स होती हैं, हर किसी की जेब में होती हैं। छीनने का डर होता है, कोई बंदा रात को आ रहा कहीं जा रहा, तो सेफ्टी के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए लोग यूज़ करते हैं अपने वेपन। पर कहने का मतलब है कुल मिला के अगर हम बात करें, हम कोई हथियार लेना चाहते हैं तो उसका जो लाइसेंस है वो करीब करीब आगे पीछे कर लें तो लाख के आसपास जाके ठहरता है। ये मतलब जो सरकारी फीस है, मतलब डीसी ऑफिस की फाइल 35,000 रुपीज़ में तैयार होती है, और जो सीपी ऑफिस की फाइल है उसमें मतलब एंड तक लग जाते हैं 19,000 रुपया खर्च होता है। 20,000 और एक में 20,000 रुपया, सीपी ऑफिस में 20,000 रुपया, और डीएम ऑफिस में मतलब समझ लो 32-33 हज़ार रुपया लग जाता है फीस। और यही फीस पटियाला में हो तो? पटियाला में अलग है, पटियाला में सरकारी फीस 500 है, और मतलब जो 5,000 रुपया बाकी 300 रुपया। चलिए देख लीजिए पटियाला के हाल है, पटियाला के ही हम कहें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से, और पटियाला से ही नवजोत सिद्धू भी वहाँ के दंपत्ति पहुँचे, वहाँ पे पेड़ ओड़ लगा रहे हैं फिलहाल। कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं आज पता चला है कि आपकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन हम तारीफ कर रहे हैं दोनाली की। दोनाली इस आत्मसंरक्षण के लिए सबसे बढ़िया हथियार माना जा रहा है, लेकिन अब दोनाली की कहानी तकरीबन खत्म हो गई है, क्योंकि अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो आपको हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम ये बेचने जाएं तो इसकी कीमत 1,000 के आसपास ही रहेगी। तो ये थी स्पेशल कहानी, हथियारों की कहानी और डोप टेस्ट के ज़ुबानी। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में हथियार आत्मसुरक्षा के लिए है या स्टेटस सिंबल के लिए, ये तो सियासत से जुड़े नेताओं के साथ चल रहे गनमैनों की तादाद देख के हम पता लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनाली की कहानी ये बहुत ही आत्मसुरक्षा के लिए, क्योंकि यही दोनाली जब हमारे सीमा पर हमारे सैनिकों के हाथों से जब गोलियाँ निकलती हैं तो हमारे दुश्मन ढेर हो जाते हैं, और हम इस समय अमृतसर के बिल्कुल सटे बॉर्डर पर हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आत्मसुरक्षा के लिए हथियार का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोनाली की कहानी अब बीते दिनों की कहानी बन जाएगी। ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सबर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत, जय जय भारत।